का प्रशासन गुंडा कर दे, नगर पालिका प्रशासन गुंडा कर दे, गुंडा कर दे, पीएम सोसाइटी चाहिए हमें, नगर पालिका प्रशासन डीएमसी सेक्रेटरी चाहिए हमें, डीएमसी सेक्रेटरी चाहिए हमें, डीएमसी सेक्रेटरी चाहिए हमें, नगर पालिका प्रशासन जो आप ये कवरेज ले रहे हैं और जो पब्लिक को दिखाएंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैंने तो दो तीन पॉइंट रखे हैं। एक तो सेक्रेटरी साहब ने नोटिस दिया है जो प्रधान के खिलाफ दिया है, भाई आगे भिजवाया है, उसमें सेक्रेटरी साहब ने पूरा विधायक और विधायक को इन्वॉल्व किया है। तो विधायक ने तो अब हमारा सार्वजनिक काम के लिए जो हुड्डा पार्क में कूड़ा करकट खिंडा हुआ था उसको ठीक करवाने के लिए हम जन ने सभी ने शिकायत करी कि जी यहाँ पे कूड़ा करकट ज्यादा और आप इसका समाधान करिए, तो वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट और व्यायामशाला बन रही है, वो सभी सार्वजनिक है, सभी आम पब्लिक के काम आने वाली चीजें, उनके लिए सेक्रेटरी साहब ने प्रधान जी को इन्वॉल्व किया है कि भाई प्रधान जी रावदान सिंह जी के नाम पे भाई पूरे विधायक और विधायक को उनका इनाम हुआ, तो डायरेक्ट ये इन्वॉल्व कर रहा है, भाई नाम ही तो नहीं ले रहा पर विधायक में तो रावदान सिंह ही है, तो ये उनके ऊपर बिना बात के एलिगेशन लगा रहा है। ये तो कमेटी काम करती नहीं, एक ईटीए लगाती नहीं, कोई दूसरा अपनी निजी पूंजी से चाहिए भाई विधायक कोटे से जैसे भी वो काम कर रहे हैं उससे वो काम करवा रहे हैं सार्वजनिक, तो उसके ऊपर ये अड़चन लगा रहे हैं। दूसरी मैं तो जी ये कहना चाहता हूँ, मेन तो जैसे अब हमें 2 साल हो जाएंगे बने, भाई साहब हमें मानदेय मिलता 8,000, वो आम पब्लिक का दिया हुआ टैक्स की वजह से हमारा मानदेय बनता है। इन अधिकारियों को मैं डीएमसी साहब को भी कहता हूँ, मैं जब रात को रोटी खाता हूँ जब पब्लिक के काम नहीं होते तो मेरे को वो रोटी हराम लगती है क्योंकि मैं उनके पैसे से रोटी ले रहा हूँ, ठीक है। ये अधिकारी अगर इस चीज को हराम मानते हैं रोटियों को तो यहाँ काम करके दिखाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेन तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेन स्पेशल कहा जो अधिकारी जनता को परेशान करेगा उसका स्पेशल नाम नोट किया जाएगा और सरकार आने वाली है उनको टांगेंगे, ठीक है। काम नहीं किया आम जनता का, आम जनता को परेशान किया तो 6 महीने 7 महीने बाद सरकार चेंज होगी, उनका बाकायदा हिट लिस्ट में नाम होगा आगे, ठीक है। वो अपने फिर अपने खुद देखेंगे उनका क्या हाल होगा, ठीक है। राम राम जी, जय।